और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप सभी दर्शकों को बता दें, ओवैसी का सीएम योगी पर तंज लगातार जारी है। सीएम योगी पर एक बार फिर से ओवैसी हमलावर हुए हैं। ओवैसी ने कहा है कि कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं योगी, कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। आपको बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर हो रही पुष्प वर्षा का है, जब AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने योगी सरकार का नाम लिए बिना कहा कि अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज अदा कर दे तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, NSA, UAPA, लिपचिक और बुलडोजर का सामना करना पड़ रहा है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर तंज कसा है, लगातार हमलावर हैं ओवैसी। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों पर आप फूल बरसा रहे हैं, कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। आंवला तहसील क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ के गुलड़िया गौरीशंकर में शिव मंदिर काफी सिद्ध पीठ मंदिर है। सावन माह के शिव तेरस पर शिव भक्तों ने जगह जगह गंगा मां से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने बम बम भोले के जयकारों के साथ जलाभिषेक कर भगवान शिव से अपने और अपने परिवार और देश की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर उपजिलाधिकारी नन्हे राम, क्षेत्र अधिकारी चमन सिंह ने भी गौरी शंकर भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। चाक चौबंद रही, आपको बता दें कि लगातार भ्रमण जारी है। शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शिव तेरस पर शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। शिव भक्त की लगातार मंदिरों में तांता लगा है। श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अलीगढ़ के रघुनाथ पैलेस गेस्ट हाउस में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के 20 साल के शासनकाल को पूरा होने पर मोदी एट द रेट 20 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में नेतृत्व किया है और नरेंद्र मोदी में देश में ही नहीं दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 20 साल का शासन पूरा किया है। उन्होंने 20 साल के पूरे शासनकाल में एक भी दिन का अवकाश नहीं लिया, देश की जनता के लिए समर्पित रहकर काम किया है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा शासक नहीं मिला जिसने लगातार 20 साल तक शासन किया। निसंकोच कहा जा सकता है कि विश्वास करो तो मोदी पर। तो वहीं डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि ये नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता धरती पर कभी कभी ही आता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात प्रदेश और देश का नेतृत्व करते हुए 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद 21वें वर्ष में वह प्रवेश किए हैं और पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे शासक हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाने का काम किया है और 20 वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में रहते हुए एक दिन भी अवकाश नहीं ग्रहण किया है। ऐसे नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य भारत माता के लिए है, भारतवासियों के लिए। तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, इस भाव से भरे रह करके राष्ट्र देवता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए और करोड़ों लोगों को आज अगर कोई समाज सेवा, देश सेवा के लिए आदर्श के रूप में मानता है, देश के करोड़ों करोड़ों लोग वह मोदी जी को मानता है, मैं भी उन्हें ही याद। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रायबरेली के शहीद स्मारक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और बिजली विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में दिनेश प्रताप सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं माला श्रीवास्तव ने जिले में विद्युत विभाग द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। 75वें वर्ष को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के अनुसार हम देशवासी और देश के सभी वर्गों के लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं और उन लोगों उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं जिन्होंने हमारे हमको ये 75 वर्ष स्वर्णिम 75 वर्ष दिए हैं। एक कृतज्ञ राष्ट्र, एक कृतज्ञ नागरिक अपने शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हर विभाग आज़ादी के 75वें वर्ष को इस रूप में मनाए और हम लोग उसी क्रम में आज यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं। आज हिंदुस्तान का बिजली विभाग। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगढ़ चौराहे के पास स्थित एक जूते की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे आग में रखा सामान धू धू कर जलना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर तब तक राख हो चुका था। वहीं आग लगने के मामले में मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा जारी है।